नमस्कार, साथ ही साथ गुड मॉर्निंग आप सभी तमाम दोस्त मित्र परिजनों को। भगवान विश्वकर्मा संसार के पहले वास्तुकार, शिल्पकार और दुनिया का पहला इंजीनियर माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा जी को हार्दिक प्रणाम। ओम आधार शक्ते नमः, ओम कुमये नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्वीये नमः। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा जी की अपार महिमा कि ये पावन मुहूर्त और पावन बेला के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं भगवान विश्वकर्मा जी का पूजा अर्चना में मैं लीन हूँ। फल मूल धूप दुर्वा पानी कदली नारियल इन सारे ज़रूरत की चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और पूजा अर्चना कर रहा हूँ। कोई कह रहा है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है, कोई बता रहा है कि 18 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। कोई बात नहीं, पूर्व चलायमान तिथि के अनुसार विश्वकर्मा पूजा की तारीख जो है ना 17 सितंबर जो निर्धारित होती है उसी को मैं मान करके चल रहा हूँ। बाकी आप भक्तजन आज करें कल करें लेकिन कभी भी करें कीजिए, है कि नहीं। हाँ, अब भगवान को जो है ना विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तमाम जो लौह वस्त्र हैं इन्हें सिंदूर अर्पित किया जा रहा है। तत्पश्चात बारी बारी से हाँ सभी बाइकों में देखिए सिंदूर लगाया जा रहा है। सिंदूर एक पवित्रता का प्रतीक है, हिंदू धर्म के पूजा में इसका व्यवहार सदा कदा ही और सर्वत्र माना जाता है। सारे वाहनों को अच्छी तरह धो लिए हैं और तत्पश्चात माल्यार्पण माला से सुसज्जित किया गया है। चलिए, धूप काफ़ी तेज है, आंगन में बैठे हुए हैं लेकिन भगवान के लिए धूप हो सकता है हमारे लिए नहीं, है ना। हम भक्तजन खूब दृढ़ संकल्प करके पूजा अर्चना करते हैं। अब भगवान जी को केले का भोग चढ़ाया जा रहा है। केले अनुकूल दाना बतासा, ठीक है। जय भगवान विश्वकर्मा देवाय नमः नमः। चलिए, अब मेरी धर्मपत्नी शंख पकड़ ली है, अब शंख ध्वनि की आवाज़ भी होने लगेगी, वातावरण चारों और गुंजायमान हो जाएगा। बारी बारी से सब पूजा के उपरांत पानी गंगा जल अर्पित किया जा रहा है। अब जो है नारियल का भोग चढ़ाया जाएगा, तो नारियल अभी गोटा है तो इसको तो फोड़ना होगा। चलिए, जय बाबा विश्वकर्मा, ओम नमो बाबा विश्वकर्मा देवाय नमः, जय बाबा विश्वकर्मा।
अब ये नारियल, अब इस नारियल के पानी से सभी वाहनों पर छिड़काव किया जा रहा है। पूजा अर्चना काफ़ी धूमधाम से चल रही है। अब तमाम भक्तजनों को इस पूजा का प्रसाद खाने के लिए सादर आमंत्रित है। लगता है नारियल एक बार में नहीं फूटा और वो फोड़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है पूर्ण रूप से। हाँ वाह, ये देखिए नारियल हो गया। जय बाबा विश्वकर्मा जी, जय बाबा विश्वकर्मा जी। अब भक्ति भाव से पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा विश्वकर्मा को प्रणाम कर रहे हैं। चलिए, अब ये तो जो बाहर जो सामान है इनकी तो पूजा हो गई है, और जो वस्तुएं हमारे घर के अंदर हैं अब उसे भी थोड़ा सा धूप दीप अगरबत्ती दिखाना ज़रूरी है। साल भर में एक बार बाबा विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। चलिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हमारा फ्रिज भी नित नियमित तंदुरुस्त रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वाह 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 वाह। अब आ गए हैं रसोई घर किचन रूम, जिनसे प्रतिदिन खाना पकता है। आखिर ये भी तो लोह निर्मित है, इन्हें भी तो धूप दीप दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इनकी भी पूजा अर्चना होनी चाहिए। चलिए, गैस सिलेंडर सभी को तिलक लगाया गया है सिंदूर का। वाह 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 वाह। हाँ, हमें गर्मी से ठंडा ठंडा कूल कूल हवा देने के लिए जो कूलर है उसकी भी पूजा कर दें। और जो नित्य नियमित आप लोगों के लिए जो अच्छा खासा सुंदर सा वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो लैपटॉप वगैरह, इनकी पूजा हो रही है। हाँ, अब पावर हाउस की पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं ये हमारे पावर हाउस है घर के। वाह 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 वाह। चलिए, पावर हाउस की पूजा के उपरांत, हाँ, अब हमारे यहाँ पर स्टैंड फैन को भी, चलिए इनको भी पूजा कर लेते हैं। चलिए चलिए, आखिर ये भी लोह निर्मित है। वाह 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 वाह। मिक्सी उक्सी सबकी पूजा हो गई है। अब अंदर प्रवेश कर गए हैं एकदम पूजा स्थल पर। बाकी सब देव देवताओं को भी प्रणाम। इस विश्वकर्मा पूजा के पावन मुहूर्त पर सभी देव देवताओं को अब आरती के लिए आरती कर रहे हैं। वाह 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 वाह। चलिए, बाबा विश्वकर्मा सभी की मंगल कामना पूर्ण करें। हम सभी भक्तजनों को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखे, शारीरिक मानसिक आर्थिक हर तरह से हमें स्वस्थवान धनवान यशस्वान बनाए रखें। वाह 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 वाह। ये तीनों वाहनों की पूजा हो चुकी है। अब बड़ी वाहन जो बाहर लगी हुई है उनकी पूजा किया जा रहा है। ये देखिए मेरी धर्मपत्नी के द्वारा।